हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक और स्पेसिफिक मोशन को डिस्क्राइब करता है। जैसे हमने सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब किया था और मैंने आपको बताया था कि अब इस सर्कुलर मोशन का जो कंसेप्ट है, इसका यूज थ्रू आउट फिजिक्स किसी भी चैप्टर के साथ किया जा सकता है। वैसे ही जो सेकंड टाइप की मोशन फिजिक्स के अंदर कहीं भी डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन थी कि जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए और उसकी शक्ल mv² / r इस तरीके की दिखाई देने वाली होनी चाहिए। वैसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो मोशन है वो हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि F = -kx। इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोला जाता है। और जहां पर भी आपको फोर्स इस तरीके का दिखाई दे, वहां पर समझ जाना कि मोशन किस तरीके की होने वाली है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाली है। तो अपन इसके कंसेप्ट्स के ऊपर हमला करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये, और इस चैप्टर को जब आप एक बार समझ लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं और बहुत सारे कंसेप्ट्स जो हैं आगे आने वाले, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की चैप्टर की, राइट। तो इसकी बेसिकली जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि एक पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजिशन पर है, आप उस मीन पोजीशन से उसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हो। मैंने बताया था फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स है इसका नाम। फिर वापस से उसको मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है, बट यहां तक आते आते इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो उसकी वजह से फिर वो दूसरी तरफ मोशन करता है, फिर वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आता है और अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, अप और डाउन, इस तरीके की मोशन कंटिन्यू करता है। इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो ये तो इसका एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में शुरुआत होगी इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के साथ कि पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो होने वाला डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम टी पर, वो हमेशा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आइदर ए साइन ओमेगा टी या फिर ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी के साथ में आपको प्लस माइनस फाइव भी दिखाई दे सकता है, राइट। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को ही समझते हैं अपन। ये किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल का, हम ये मान रहे हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो अप एंड डाउन वाई डायरेक्शन के अंदर हो रही है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी तो एक्स यूज कर लेंगे, राइट। तो वाई जो है वो किसके इक्वल है, ए साइन ओमेगा टी के इक्वल है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी से जो फटाफट अपन पकड़ते हैं, यहां पर जो साइन के साथ कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड होगा ना, वो कहलाएगा इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करने वाला है। तो जब भी कोई पूछे कि बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा, आप तुरंत पहचान लेना यार एम्पलीट्यूड ये वाला नंबर होगा। ऐसे टाइम के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा वो नंबर कहलाता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और एंगुलर फ्रिक्वेंसी से आप दो चीजें निकाल सकते हो, एक तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा के, 2π/ω, और एक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा के, 2π/ω/2π। मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है ना। तो केवल और केवल जब आपको सिंपल पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करने वाली इक्वेशन दी जाएगी ना, उस इक्वेशन को देख के आप पता लगा सकते हो कि उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। और कई बार ओमेगा टी के साथ एक और कांस्टेंट एडिड होता है, मतलब साइन फंक्शन के अंदर ही, वो उसका कहलाता है इनिशियल फेज, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें नॉर्मली बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। खैर, हम यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हमें केवल और केवल इतना पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में हम चलेंगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है किसी भी टाइम पर। अब वेलोसिटी को दो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे अपन, टाइम की फॉर्म में भी पढ़ेंगे और पोजीशन की फॉर्म में भी पढ़ेंगे। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखोगे तो वो हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई देखोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको दोनों फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और जिसकी टर्म्स में बात करी जा रही हो क्वेश्चन में, आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है, आपके चुटकियों में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने लग जाएंगे। आप इन दोनों ही फॉर्मूलाज से अगर जानना चाहोगे कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी,
तो जैसे यहां से पकड़ते हैं, मैक्सिमम तब होगी जब कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाएगा, और कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए इंटू ओमेगा हो जाएगी। अगर हम ग्राफ की टर्म में बात करें तो साइन फंक्शन का ग्राफ तो शायद सबको पता होगा, तो वाई का टी के रेस्पेक्ट में ग्राफ तो ऐसा होगा, साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, राइट। और अगर वेलोसिटी का टी के टर्म्स में हमसे ग्राफ पूछा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर साइन है और यहां पर कॉस है। अगर टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, मैक्सिमम, यानी कि इस ग्राफ की शुरुआत मैक्सिमम से होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस ग्राफ को किसी ने पाई बाय टू एंगल से क्या कर दिया, खिसका दिया आगे की तरफ, यानी कि कोई पूछे कि बताओ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो पाई बाय टू का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हो कि वेलोसिटी का वाई के रेस्पेक्ट में ग्राफ कैसा होगा, तो ये एक एलिप्स की इक्वेशन बन रही है, ठीक है। और इस कंडीशन में आप देखोगे इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, आपको इस तरीके का मिलेगा। रख के देखो, y को जैसे जीरो रखोगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, यहां पर मैक्सिमम आ रही है, और y को जैसे ही पॉजिटिव साइड में a या नेगेटिव साइड में a के इक्वल रखोगे, प्लस a या माइनस a के इक्वल रखोगे, तो वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। तो प्लस a पर भी जीरो है और माइनस a पर भी जीरो है, ठीक है। ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एम्पलीट्यूड को, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा टाइम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए ओमेगा को। ये पूरा का पूरा टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ए ओमेगा को, यहां पर वाई की वैल्यू प्लस ए के इक्वल है और यहां पर माइनस ए के इक्वल है। तो ये सारे के सारे ग्राफ जो है ना, ये आपके दिमाग में होने चाहिए, मतलब बहुत बेसिक बेसिक फंक्शन है और इनके ग्राफ आपको पता होने चाहिए, राइट। तो ये तीन चीजें वेलोसिटी के बारे में और ये दो ग्राफ हमें वेलोसिटी के बारे में ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं अगली क्वांटिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। तो किसी भी टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के इक्वल, या फिर और भी बेटर है आप वाई की फॉर्म में ध्यान रख लो, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वाई। जब भी कोई पूछे बताओ टाइम की फॉर्म में कितना होगा, तो वाई की जगह ए साइन ओमेगा टी रख देना, अपने आप ये आ जाएगा, राइट। इन दोनों ही चीजों से आप देख सकते हो कि जो आपका एक्सेलरेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नीट्यूड उसका, वो कितना होगा, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर y से इसके ग्राफ को कंपेयर करो तो सेम फंक्शन है, साइन है और इधर भी साइन है, बट इधर नेगेटिव साइन आने की वजह से आपका ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आपका ये जो साइकिल है नेगेटिव आ जाएगा, ये जो साइकिल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएगा, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि फोर्स जो होता है वो सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछा जाए या फोर्स का ग्राफ पूछा जाए, दोनों सेम शक्ल के दिखाई देंगे आपको। और अगर एक्सेलरेशन का वाई के रेस्पेक्ट में ग्राफ पूछा जाए, तो आप देख रहे हो यार एक्सेलरेशन और वाई जो है वो तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहे हैं विद अ नेगेटिव कांस्टेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इनके बीच का ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन, बट उसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव होगी। तो देखो एक्सेलरेशन और वाई के बीच का ग्राफ नेगेटिव स्लोप वाली एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी आपको, ठीक है। वही एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों का ग्राफ जो है दिखने में सिमिलर होगा, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, फोर्स मैंने बता ही दिया, फोर्स माइनस एम को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाएगा। ये जो एम ओमेगा स्क्वायर है इसको प्यार से के लिखा जाता है, तो अब आपको पता पड़ गया होगा कि के और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा हमेशा रूट के बाय एम के इक्वल होता है, इसलिए टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि 2 पाई रूट एम अपॉन के हो जाएगा, ठीक है ना। अभी स्प्रिंग के केस में अपन देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, तो यहां से वी का स्क्वायर करके यहां पर पटक दो, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कोई पूछे वाई की टर्म में बताओ, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये जो रेड कलर वाला ग्राफ है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो होगा तो पीरियोडिक फंक्शन ही, बट यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव होगी, स्क्वायर हो गया ना, तो जो नेगेटिव साइकिल था वो भी पॉजिटिव हो गया। और ध्यान रखना इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी कॉस और साइन के कंपेरिजन में कितनी होती है, डबल होती है। जैसे यहाँ पे इतने से लेके इतने टाइम पीरियड में आपको दो हाफ साइकिल दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे उतने टाइम पीरियड में आपको कितने दिखाई देंगे, चार हाफ साइकिल्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी की शुरुआत भी मैक्सिमम से होगी, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, हाफ के वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ खींचोगे तो जैसे टी इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी कि जीरो से ग्राफ शुरू होगा,
होगी काइनेटिक एनर्जी जैसी शक्ल, राइट इसकी। तो इस तरीके से अपन ध्यान रख सकते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करी जाए तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भले टाइम के रेस्पेक्ट में ऐड करके देखो, यानी कि किसी भी टाइम पर ऐड करके देखो या किसी भी पोजीशन वाई पर ऐड करके देखो, हमेशा आपको कांस्टेंट दिखाई देगी, उसकी वैल्यू दिखाई देगी आपको हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का अगर वाई के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक पैराबोला मिलेगा आपको और उसकी शक्ल इस तरीके की होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ करोगे तो जस्ट इसका उल्टा, जैसे रिवर्स कर दिया हो आपने पैराबोला को, इस तरीके से मिलेगा। कैसे पता लगाओगे? अभी अभी तो आपने कहा था कि सर जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर होता है, यानी कि y जब जीरो होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशंस पर होता है, यानी कि प्लस ए और माइनस ए पर होता है, तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम है और इन दोनों पोजीशन पर जीरो जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी के साथ उल्टा है। पोटेंशियल एनर्जी जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है तब जीरो होती है, राइट, और जैसे ही पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर चले जाता है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। तो देखो यहाँ पर जीरो है और इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर ही मैक्सिमम हो गई, और इन दोनों का जो सम करोगे वो हमेशा आपको कांस्टेंट दिखाई देगा, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, राइट। अब कुछ स्पेसिफिक सिस्टम्स है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, अभी अभी के बारे में हमने बात करी थी, उससे ब्लॉक एम आपने बांध रखा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा अगर आप इसको हल्का सा भी स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो, और उसका टाइम पीरियड होगा 2π√m/k। कुछ स्पेशल केसेस जो ध्यान रख लो, एक स्प्रिंग ली है आपने, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और एक एंड पर m1 मास वाला ब्लॉक बांध दिया और एक पर m2 मास वाला ब्लॉक बांध दिया, या तो दोनों को चिपका के छोड़ दिया थोड़ा सा, या फिर दोनों को खींच के छोड़ दिया, राइट। केस में आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती हुई दिखाई देगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट उसका टाइम पीरियड होगा 2π√μ/k, एंड व्हाट इज म्यू हियर? इट इज m1 m2 / m1 + m2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, इसलिए मैंने इस केस को इंक्लूड किया है। अगर दो स्प्रिंग्स को आप सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एड करते हो तो टाइम पीरियड हो जाता है 2π√m/k इफेक्टिव। के इफेक्टिव का मतलब है दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और वो कैसे निकालोगे आप? k1 k2 / k1 + k2। और अगर दो स्प्रिंग्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो, और पैरेलल में कनेक्ट करने का एक तरीका ये भी है, ध्यान रख लेना कि दोनों स्प्रिंग है और बीच में आपने मास m को बांध रखा है, राइट। इस कंडीशन में टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k इफेक्टिव, एंड नाउ इन दिस केस k इफेक्टिव विल बी इज इक्वल टू k1 + k2, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स जो है उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, 1/k = 1/k1 + 1/k2, उसी से आया वो फॉर्मूला, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। और एक बहुत खास बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि एक स्प्रिंग को अगर n इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है तो हर पार्ट का जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है वो आपकी ओरिजिनल स्प्रिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। कितने गुना हो जाता है? एन गुना हो जाता है। जैसे एक स्प्रिंग के आपने 10 टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़े का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 10 टाइम्स की हो जाएगा, राइट। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम पीरियड वगैरह के, तो ये अपनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, दूसरा जो सिस्टम है सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब करने के लिए यूज में लिया जाता है वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम तो सबने देखा ही होगा, एक धागा, उससे बंधा हुआ एक ब्लॉक, उसको आपने वर्टिकली लटका रखा है, हल्का सा आप उसको डिस्प्लेस करते हो और छोड़ देते हो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इस केस में इसका जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो निकल के आता है 2π√L/g इफेक्टिव। नॉर्मली इसकी वैल्यू g के इक्वल होगी, बट अलग अलग केसेस में फिर g की वैल्यू चेंज होगी, उनको अपन देखेंगे, बट ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है। और जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको फॉर्मूले से भी दिख रहा होगा कि टाइम पीरियड जो है वो मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? या तो लेंथ या फिर इफेक्टिव ग्रेविटी। अब लेंथ जो है ना वो हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट से जो भी बॉब आपने बांध रखा है उसके सेंटर ऑफ मास तक ली जाती है, ध्यान देना, प्रैक्टिकल करते हो तब भी आपको ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एक घड़ा बांध दिया आपने बॉब की जगह और उसके अंदर पानी भरा हुआ है और नीचे आपने एक छोटा सा छेद कर दिया जिसमें से धीरे धीरे पानी निकल रहा है। अब जब घड़ा पूरा का पूरा भरा हुआ था तब तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पर था, बट जैसे जैसे घड़ा खाली होता जाएगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास जो है वो भी नीचे खिसकता जाएगा, ठीक है।
और जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास नीचे खिसकेगा यानी कि आपकी एल इफेक्टिव इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे एल इफेक्टिव इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट जब घड़ा बिल्कुल खाली होने के अंदर होगा, बिल्कुल कम पानी बचा हुआ है, तो वापस से आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो उस केस में आपका टाइम जो एल इफेक्टिव है कम हो जाएगा, और आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। अगर लिफ्ट के अंदर रख दिया जाए इस सिंपल पेंडुलम को और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो, तो आपकी इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ जाएगी, जी की जगह जी प्लस ए हो जाएगी, सबने पढ़ा हुआ है सूडो फोर्स वगैरह सब कुछ, तो 2π√L/g+a हो जाएगा। और अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही हो तो इफेक्टिव ग्रेविटी g-a हो जाएगी, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g-a। इस केस में क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ गई तो टाइम पीरियड घट गया, और इस केस में क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी घट गई तो टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना, इनके ऊपर बहुत ध्यान देना है अच्छे से आपको, राइट। कई बार ऐसा केस भी दे दिया जाता है कि जो बॉब है एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसकी डेंसिटी रो एम है, उसको पानी के अंदर ले जाते हो आप और फिर वहां पर इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाते हो, तो अब इसके ऊपर भी एम जी फोर्स नहीं लगता, इसके ऊपर एक अपथर्स्ट फोर्स भी लगता है जो कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इफेक्टिव ग्रेविटी, आप लिखोगे जो एम इंटू जी इफेक्टिव होगा वो कितना होगा, एम इंटू जी माइनस अपथर्स्ट। अपथर्स्ट अपन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी भाई इतना ही तो डिस्प्लेस करेगा, टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स ग्रेविटी। इस एम की जगह भी अपन क्या रख सकते हैं, इस एम की जगह अपन रख सकते हैं ये इसका मास है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी टाइम्स रो एम रख सकते हैं, टाइम्स जी माइनस वी इंटू रो एल टाइम्स जी, और इधर भी वी टाइम्स रो एम टाइम जी इफेक्टिव। तो देखो वी कट रहा है और रो एम से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 1 − √L/√M × g के इक्वल निकल के आएगी। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका, 2π√L/1 − √L/√M × g हो जाएगा। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो, बट आप इस अप्रोच को ध्यान रखो, एटलीस्ट इतना ध्यान रख लो कि इस केस के अंदर ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, हमें पहले चेंज्ड ग्रेविटी निकालनी है और फिर उसको टाइम पीरियड के फॉर्मूला के अंदर यूज करना है। ऐसे ही कई बार जो बॉब है वो एक चार्ज पार्टिकल का बना हुआ होता है, तो उसका मास और चार्ज दोनों दे दिया जाता है, तो अब इसके ऊपर और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है उसके अंदर रख दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड में भी हो सकती है, तो मैं एक केस समझा देता हूँ। तो अब इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और क्यू ई अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अगेन इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। अब की बार लिखोगे एम इंटू जी इफेक्टिव जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और क्यू ई अपवर्ड डायरेक्शन में, एम से डिवाइड कर दोगे तो इफेक्टिव ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी जी माइनस QE/M, ठीक है। तो ये आप यूज करोगे फॉर्मूले के अंदर तो आपका टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड अगर लेंथ चेंज कर देते हो, ग्रेविटी चेंज कर देते हो, और जो परसेंटेज चेंज है या जो फ्रैक्शनल चेंज है वो 5% से कम है, तो आप एरर के कंसेप्ट यूज कर सकते हो। हमने एरर के अंदर भी इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था किस तरीके से पावर जो है वो आगे आ जाती है और ये सब कुछ। तो कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जहां पर आपको पहले सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स निकालना पड़ता है, और रीस्टोरिंग फोर्स के एक्सप्रेशन से आप के की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, और उस के को टाइम पीरियड के फॉर्मूला में रख के फाइनली टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हो। तो उनमें से दो सिचुएशन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की संभावना बनती है। एक तो पानी है और उसमें आपने लकड़ी के इस तरीके के सिलेंड्रिकल ब्लॉक को डुबो रखा है, एच हाइट तक वो डूबा हुआ है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब आप अगर उसको हल्का सा वाई डायरेक्शन, वाई डिस्प्लेसमेंट और करवाते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा अपथर्स्ट फोर्स लगेगा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की तरह वर्क करेगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन होती हुई दिखाई देगी, और उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√H/g के इक्वल। ऐसे ही अर्थ जो है, इसी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें अगर बिल्कुल एक जगह से आपने सुरंग खोदना चालू करा, सेंटर तक चले गए और सेंटर से वापस दूसरे एंड से बाहर आ गए, आर पार आपने एक सुरंग खोद दी, इसके अंदर भी जब आप किसी पार्टिकल को गिराओगे तो उस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और उसका जो एक्सप्रेशन होगा उसकी शक्ल जो है रीस्टोरिंग फोर्स से मैच करेगी। आप वहां से के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उसको टाइम पीरियड के अंदर रख के टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे।
पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो खुद से ट्राई कर सकते हो आप, बट आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इस केस में जो टाइम पीरियड निकलेगा वो आएगा 2π√r/g। हालांकि रेयर है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाना, बट इस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो पेज है इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है, जहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को अलग अलग सिनेरियोज के अंदर क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में हम वापस इन सारे के सारे सिनेरियोज को जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर देखते रहेंगे, बट अभी आपको ओवरऑल इतनी इंफॉर्मेशन इनके बारे में होनी चाहिए। तो इस पेज और इससे पिछले वाले पेज, इन दोनों के स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो, ताकि आपके लिए वन पेज नोट्स जो है वो प्रिपेयर हो जाए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। तो ये आपका फर्स्ट पेज है जहाँ पर उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को और उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्क्राइब किया है। एंड दिस इज योर सेकेंड पेज वेयर वी हैव कनेक्टेड इट विथ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज इंक्लूडिंग सिंपल पेंडुलम, राइट। चलो अब शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। इतनी सी इंफॉर्मेशन है और अपनों को प्रूव करना है कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज d²x/dt²+kx=0। द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल विल बी, इस क्वेश्चन को आप देखोगे आपको लगेगा कि पता नहीं अजीब से डिफरेंशिएशन इन वगैरह के बारे में बात करी गई है, घबरा जाओगे और छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को। जबकि आप हल्का सा दिमाग लगाओ तो d²x/dt² पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो आपको छुपे हुए तरीके से कहा गया है कि a+kx जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यानी कि a जो है वो किसके इक्वल है, -kx के इक्वल है। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसमें a किसके इक्वल हुआ करता था, -ω² x के इक्वल हुआ करता था। डायरेक्ट कंपेयर करो तो आप देख पा रहे हो कि ω² किसके इक्वल आ रहा है, k के। यानी कि ओमेगा किसके इक्वल आ रहा है, √k के। यानी कि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2π/ω, यानी कि 2π/√k। अब यहाँ पे बच्चे सबसे पहली जो गलती करेंगे वो उनको फॉर्मूला रटा हुआ होगा 2π/m/k, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, चारों ऑप्शन में मिलेगा नहीं, और फिर घर आके चिल्लाएंगे कि सर एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो है वो गलत थे। जबकि हल्का सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जा सकता है, आपको घबराना नहीं है उससे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंडिकेटेड बाय इक्वेशन y=10 sin 20 pi t + π/3, वेयर y इज इन मीटर्स, द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी। तो मैंने बताया था आपको एक इक्वेशन दे दी गई है 10 sin 20 t + π/3। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती थी। एम्पलीट्यूड पूछते तो आप बता देते 10 है, ओमेगा पूछते तो आप बता देते 20 है, टाइम पीरियड पूछते तो आप बता देते 2π/ω, यानी कि 2π/20, यानी कि π/10 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना हो जाएगा, π/10 हो जाएगा। बट और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते थे आपसे, फ्रिक्वेंसी पूछी जा सकती थी जो कि 1/t के इक्वल होती, या फिर ω/2π के इक्वल होती, यानी कि 20/2π के इक्वल होती, यानी कि 10/π के इक्वल हो जाती। आपसे इनिशियल फेज पूछा जा सकता था जो कि सिंपली किसके इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, π/3 के इक्वल दिखाई दे रहा है। और क्या क्या पूछा जा सकता था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंडिकेटेड बाय, अगेन सेम इक्वेशन है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद आना चाहिए कि सर ने बताया था मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा। इक्वेशन देख के पता पड़ गया कि एम्पलीट्यूड कितना है 10 और ओमेगा कितना है 20, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 10 × 20 यानी कि 200 m/s हो जाएगी। अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए मैक्स कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आपको याद आना चाहिए था कि यार एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुआ करता था a×ω². क्या a हमारे पास में है, आप बोलोगे है, क्या ओमेगा हमारे पास में है, है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, यानी कि 4000 m/s।
सेकेंड स्क्वायर, ये इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती अगर पूछा जाता तो, राइट। खैर हमारे क्वेश्चन का आंसर है 200 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर इक्वेशन आपको दे दी जाए, और ध्यान रखना वाई की ही नहीं, आपको वी की इक्वेशन भी दी जा सकती है, आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी दी जा सकती है, आपको हर केस के अंदर जो मैंने फर्स्ट पोर्शन पढ़ाया था उसके बेसिस पे कुछ भी पूछा जा सकता है, और आपको सिंपल सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करना है, और चुटकियों के अंदर आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM एट 3 seconds इज √3/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड, इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो जैसा जैसा कहा गया है ना वैसा वैसा करने की कोशिश करते हैं। जब तक क्वेश्चन में डिस्क्राइब ना किया जाए तब तक आपको इक्वेशन कैसी लेनी है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। इस इक्वेशन का मतलब है कि आपने मोशन को तब से ऑब्जर्व करना चालू किया है जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर था। t इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ऐसा दे दिया जाए कि आपने मोशन तब से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, यानी कि t इज इक्वल्स टू 0 तब लिया है जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो उस कंडीशन में आपकी इक्वेशन क्या हो जाती, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t हो जाती, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी लानी है आपको, a लानी है। अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलता तो माइनस a cos ओमेगा t हो जाती। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर इनिशियल इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जब तक कहा नहीं जाए तब तक आपको ये लेना है। अब आपको बोला गया है कि t इज इक्वल टू 3 पर जो डिस्प्लेसमेंट है वाई वो √3/2 ऑफ a के इक्वल है। तो हम ये जो इंफॉर्मेशन है ये किस इक्वेशन के अंदर रखने की कोशिश करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। तो y की जगह तो मैंने रख दिया √3/2 टाइम्स a, a की जगह रख दिया मैंने a, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, साइन ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय इसकी जगह रख दिया मैंने t की जगह 3, a से a कट गया। अब ये हो गया साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू √3/2, यानी कि पक्का ये जो एंगल है 3 into ओमेगा ये पक्का किसके इक्वल होना चाहिए, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री मत लिख देना, रेडियंस के अंदर लिखना, रेडियंस के अंदर 60 डिग्री को लिखा जा सकता है π/3, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी π/9। बट क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, हमने तो ओमेगा निकाला और हमसे पूछा गया टाइम पीरियड। बट अब हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, 2π/ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर π/9 रखेंगे जो ऊपर चला जाएगा, पाए से पाए कट गया, और 9 into 2 करेंगे तो 18 seconds हमारा क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 18 seconds जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नीट के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, आसान क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और कुछ इन कैटेगरी के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपको लिटरली इस चैप्टर के अंदर 100% स्कोर करना है, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन भी हाईली प्रिडिक्टेबल है। जो हम कर रहे हैं 15-20 क्वेश्चन यहाँ पर जो भी कर रहे हैं अपन, उन्हीं में से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन आर 100 cm/s एंड 157 cm/s² रेस्पेक्टिवली, द टाइम पीरियड इन सेकेंड्स विल बी। तो अब इसमें क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 100 cm/s। हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 157 cm/s², और हमें टाइम पीरियड निकालना है। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था किसकी जरूरत पड़ेगी, ओमेगा की। तो आपको ये सोचना है कि क्या मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के द्वारा ओमेगा निकाला जा सकता है। तो आपको तुरंत फॉर्मूला याद आएगा कि यार मैक्सिमम वेलोसिटी का तो मतलब हुआ करता था e into ओमेगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब हुआ था a into ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको स्मॉल a लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो अगर आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन को मैक्सिमम वेलोसिटी से डिवाइड करोगे, यानी कि जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 157 को 100 से डिवाइड करोगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए ओमेगा स्क्वायर को ए ओमेगा से डिवाइड करोगे, तो आपको ओमेगा आता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1.57। और जैसे ही ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड निकालना कोई बड़ी बात नहीं रही, 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और ओमेगा की वैल्यू 1.57। 1.5 से ये 3.14 है ना, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, और आपको खुद को फील होना चाहिए कि यार सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस जो है वो वाकई बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ई, इट्स एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर डबल्ड, इट्स टोटल एनर्जी विल बी। तो टोटल एनर्जी का मतलब है टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, और वो हमें पता है कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर होती है। अब जब आप एम्पलीट्यूड को डबल करोगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि एम्पलीट्यूड डबल करते हैं आपकी एनर्जी भी कितनी हो जानी चाहिए, 4 गुना हो जानी चाहिए। बट टाइम पीरियड का क्या असर होगा? तो टाइम पीरियड का असर किस पे पड़ेगा, के ऊपर, और फिर के का असर किसके ऊपर पड़ेगा, एनर्जी के ऊपर पड़ेगा। तो हमें सबको पता है टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई रूट m अपॉन k, यानी कि टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ के, यानी कि के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम पीरियड के स्क्वायर के। तो जब आप टाइम पीरियड को डबल कर दोगे, ठीक है, तो आप सीधा सीधा पता लगा सकते हो कि आपका के जो है वो कितना बन जाएगा, के डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। तो इन दोनों फैक्ट्स का यूज करते हैं तो हमारी नई एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ के की जगह तो रख दोगे आप के बाय 4, और एम्पलीट्यूड की जगह रख दोगे आप 4a स्क्वायर, ए की जगह 2a रखोगे, 4 से 4 कट जाएगा और घूम फिर के वापस से आ जाओगे आप हाफ के ए स्क्वायर के ऊपर, यानी कि ई डैश जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई के इक्वल आ जाएगी। कोई चेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो ध्यान देना, कई बार कुछ चीजें आपको बहुत छुपा के दी जाती है। यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर यूज नहीं हो रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम पीरियड का एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि टाइम पीरियड का फर्क पड़ेगा के ऊपर, और के का फर्क पड़ेगा किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ऑन सस्पेंडिंग अ मास एम फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो केवल और केवल एक ही स्प्रिंग होती तो तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाता 2 पाई रूट m अपॉन k, यानी कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ जाती, इसका उल्टा कर दो 1 अपॉन 2 पाई, और इसका उल्टा करेंगे तो √k/m इतना आ जाता। इफ अ सेकेंड स्प्रिंग एज शोन इन फिगर इज अरेंज्ड देन द फ्रीक्वेंसी विल बी। तो मैंने बताया था ये वाला कॉम्बिनेशन किसके इक्विवेलेंट होता है, पैरेलल। पैरेलल में के इफेक्टिव किसके इक्वल होता है, k1 + k2 के इक्वल होता है। तो आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट m अपॉन k + k करोगे तो कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई √k/m टाइम्स √2। मैंने इसको अलग से लिख लिया, तो ये तो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो हमने देखा कि एफ डैश किसके इक्वल आ जाना चाहिए, √2 × f के इक्वल आ जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी नॉलेज काम में आई हमारे पास में, कि किस तरीके से स्प्रिंग का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। फॉर्मूला आपके पास में है, कनेक्ट आपको करना है, और क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम स्प्रिंग्स आर कंबाइंड इन सीरीज एंड पैरेलल अरेंज्ड एज शोन इन फिगर एंड अ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम देम, द रेशियो ऑफ दियर फ्रीक्वेंसीज विल बी। तो सबसे पहले पहला वाला केस लेते हैं। तो ये कौन सा वाला कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो के
इफेक्टिव होता है वो किसके इक्वल होता है, के वन के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू, यानी कि के स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू के, यानी कि के से के कट गया, आंसर आ गया आपका के बाय टू। तो आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के डिवाइडेड बाय टू, यानी कि चला जाएगा ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट के डिवाइडेड बाय टू एम। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया आपने एफ वन। फिर दूसरा वाला केस लेते हैं, अब की बार के इफेक्टिव कितना होगा। देखो इसमें सबसे पहले तो ये दो स्प्रिंग्स जो है वो पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, टू के। और फिर जो आएगी वो इसके साथ सीरीज में, तो फाइनली अपन करेंगे टू के टाइम्स के डिवाइडेड बाय टू के प्लस के, टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री के, के से के कट जाएगा, टू के डिवाइडेड बाय थ्री। तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका टू पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय टू के और थ्री चला जाएगा ऊपर, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वन अपॉन टू पाई, उल्टा कर देते हैं इसको, ठीक है, टू के चला गया ऊपर और थ्री एम रह गया नीचे। तो ये हो गई आपकी एफ टू। अब आपसे कहा गया कि एफ वन डिवाइडेड बाय एफ टू कितना होगा, इन दोनों का रेशियो तो निकालना है, तो वन अपॉन टू पाई से वन अपॉन टू पाई तो कट जाएगा, रूट के बाय एम से रूट के बाय एम भी कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा वन डिवाइडेड बाय रूट टू और इधर बचेगा रूट टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री। जब आप इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो रूट थ्री तो चला जाएगा ऊपर और नीचे रूट टू और रूट टू मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे टू। तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीजों को कनेक्ट करना है, बिलीव रखना है कि हाँ यार हम जो कर रहे हैं वो सही है और अल्टीमेटली आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, स्प्रिंग इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, देन द न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी। तो पहले फ्रीक्वेंसी रही होगी तुम्हारी वन अपॉन टू बाय रूट के डिवाइडेड बाय एम, फिर आपने स्प्रिंग को दो अलग अलग हिस्सों में काट दिया। तो मैंने बताया था जब स्प्रिंग को एन हिस्सों में डिवाइड करते हो तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाता है, एन टाइम्स हो जाता है। तो जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी तुम्हारी वो कितनी आएगी, वन अपॉन टू बाय, और जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होएगा वो कितना हो जाएगा, टू के डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जो एफ डैश है वो सिंपली किसके इक्वल लिखा जा सकता है, रूट टू टाइम्स एफ के इक्वल लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एफ की जगह न्यू यूज किया है इन्होंने सिंबल, तो जो हमारी नई फ्रीक्वेंसी है वो रूट टू टाइम्स न्यू के इक्वल लिखी जा सकती है, ठीक है ना। कर सकते हैं अपन इस तरीके के क्वेश्चन। ये नॉलेज आपको ध्यान में रखनी है कि जब स्प्रिंग को एन इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है तो हर पार्ट का जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है वो कितना हो जाता है, एन टाइम्स के हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज के व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स, देन व्हाट इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ वन पार्ट। डायरेक्ट आंसर है आपके पास में कितना हो जाएगा, एन टाइम्स के हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लिफ्ट इज असेंडिंग विद एक्सेलरेशन जी बाय थ्री, वॉट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सीलिंग If its time period in stationary lift is T, तो stationary lift में तो time period रहा होगा T is equals to 2 pi, length रही होगी L और gravitational acceleration रहा होगा G। अब ध्यान दो, lift is ascending with acceleration G by 3, तो A की value आपको कितनी दे दी गई है, G by 3 दे दी गई है। तो जो G effective होगा, अगर lift ascend कर रही है तो acceleration बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, G प्लस ए, और ए की वैल्यू अगर अपन रखेंगे G डिवाइडेड बाय 3 तो ये आ जाएगा 4G डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अब आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई
अंडर रूट लेंथ तो चेंज करी नहीं होगी अपनों ने, जी चेंज हो गया 4g/3। ठीक है, तो बताओ सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सीलिंग इफ इट्स टाइम पीरियड इन स्टेशनरी लिफ्ट इज टी, तो नया वाला टाइम पीरियड टी डैश किसके इक्वल होगा। तो देखो यहां पे रूट 3/2 और बाकी सब चीजों को अंदर रख लेते हैं 2π√L/g। तो ये जो ब्रैकेट है ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल नजर आ रही है आपको, टी के इक्वल नजर आ रही है, तो ये हो जाएगा √3/2 times t। तो नया जो टाइम पीरियड होगा वो √3/2 times पुराने वाले टाइम पीरियड के इक्वल होगा। राइट, आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके की चीजों को। अब टू पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बाय साइड एंड विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है, दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, द फेज डिफरेंस बिटवीन इज। तो देखो ये जो फेज डिफरेंस वाला क्वेश्चन है इसमें एक बहुत ही इंट्यूटिव मेथड आप यूज में ले सकते हो और आपने पढ़ा भी होगा जब आप थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ते होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि जो सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ दिखाई देता है वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझते हैं और इससे इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का तरीका भी समझते हैं। जैसे सपोज करो आपने एक ए मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर रेडियस का क्या ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन ले ली और इसी के चारों तरफ आपने इसी रेडियस का आपने एक सर्कल ले लिया इस तरीके का। ध्यान से समझना इस मेथड को, इससे आपको फेज डिफरेंस जो है वो विजुअलाइज हो जाएगा कि आखिर में फेज डिफरेंस का मतलब होता क्या है, और फिर ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके बहुत सारी जगह काम में आएगी। अब देखो आपका जो पार्टिकल है ना वो अभी हाइएस्ट पॉइंट के ऊपर है, ये P1 है पहला वाला पार्टिकल। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा आपको उससे इस डायमीटर के ऊपर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उसका जो फुट होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। जैसे जब पार्टिकल इस लाइन से कितने डिग्री एंगल मूव कर चुका होगा, 60 डिग्री एंगल मूव कर चुका होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, या 60 डिग्री को अपन लिख सकते हैं π/3। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो नॉट 60 डिग्री, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन ले तो अपन 30 डिग्री लेते हैं इसको, ठीक है, अपन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो 30 डिग्री लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट के हाफ पोजिशन के ऊपर। अब देखना किस तरीके से कनेक्ट होगा, तो अगर ये एंगल आप 30 डिग्री लेते हो यानी कि इसकी वैल्यू अगर आप π/6 लेते हो तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपका पार्टिकल जैसे जैसे सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, और इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जब 30 डिग्री एंगल बना रखा है पार्टिकल ने तब प्रोजेक्शन कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, इतने डिस्टेंस पर हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाना चाहिए, 30 हो जाना चाहिए। ये वाली डिस्टेंस a है, ये a cos 30 के इक्वल हो जाएगा और ये a sin 30 के इक्वल हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो पक्का जो ये डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगी, a/2 के इक्वल हो जाएगी। ये तो पहला वाला पार्टिकल है, तो पहले वाले पार्टिकल का प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, धीरे 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 पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर आ गया। इसी पर्टिकुलर मोमेंट पर आपका जो दूसरा पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि दूसरा पार्टिकल भी यहीं से शुरू होगा, फिर वो गया होगा इस डायरेक्शन में तो उसका प्रोजेक्शन आ गया होगा यहां पर, फिर वो इस वाली डायरेक्शन में गया होगा तो प्रोजेक्शन वापस से उल्टा आ रहा होगा, और उस कंडीशन में जब वो यहां से इस वाली स्ट्रेट लाइन से अगेन 30 डिग्री पर होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। अब की बार ये एंगल 30 डिग्री ले लिया, इसका मतलब ये भी 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये cos 30, ये sin 30, a/2 के इक्वल हो गया, बट कंडीशन ये होगी कि इस वाले पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो आपको अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देगा। तो अगर आप एक स्नैपशॉट के अंदर इन दोनों पार्टिकल्स को देखोगे तो इन दोनों के बीच में रेस लगी हुई है, ये भी इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल जो है रेड वाला ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है, बट दोनों की सिचुएशन जो है वो कैसी है कि ये पार्टिकल यहां पर है और ये पार्टिकल यहां पर है, रेस इन दोनों के बीच में चल रही है, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आप एक ही सर्कल के अंदर इन दोनों को शो कर सकते हो, ठीक है ना।
अब फेज डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर एंगल की टर्म्स में आप बात करो तो आपको इससे ये कितने एंगल आगे चलता हुआ दिखाई देगा। तो अब तो हमारे सामने डायग्राम आ गया, अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये अगर 30 है, ये अगर 30 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन के बनने ऊपर बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो पक्का ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल आ जाएगा? 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और 120 डिग्री को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ पाई बाय 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए। तो अब से जब भी फेज डिफरेंस की बात पूछी जाए ना, अपन बहुत अलग अलग जगह पे फेज डिफरेंस की बात करेंगे, वेव्स के केस में भी करेंगे, कल को जब आप लाइट के बारे में पढ़ रहे होंगे वेव ऑप्टिक्स तब भी करोगे, आप ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करोगे तब भी कर रहे होंगे। तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी पार्टिकल की मोशन को साइन और कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको तुम विजुअलाइज कर सकते हो एक सर्कुलरली मूव करते हुए वेक्टर की फॉर्म में, सर्कुलरली मूव करते हुए पार्टिकल की प्रोजेक्शन की फॉर्म में, राइट? और उस तरीके से विजुअलाइज करने पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच का जो एंगल दिखाई देगा आपको वही बेसिकली किसके इक्वल होता है? आपके फेज डिफरेंस के इक्वल होता है। तो ये जो नॉलेज है, ये जो फेजर वाली नॉलेज है, ये हम बहुत जगह पर यूज करेंगे। यहां पर उसका हल्का सा ग्लिम्स मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको देने की कोशिश करी है, राइट? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 = a sin ओमेगा t एंड y2 = b cos ओमेगा t आर सुपरइंपोज्ड, द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो, सुपरइंपोज करने का मतलब है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? a sin ओमेगा t प्लस बी कॉस ओमेगा टी। जब अपन बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि इसको आप लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव के इक्वल, जहां पर कैपिटल ए की वैल्यू तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी और फाइव की जो वैल्यू है वो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगी? टेन इनवर्स बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगी। खैर, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि वाकई इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से मैच करती है। और इस इक्वेशन से देखोगे तो एम्पलीट्यूड कैपिटल ए के इक्वल होगा और कैपिटल ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो सुपर इम्पोज करने के बाद में मोशन मिल रही है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगी, बट उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। अ मैन ऑफ 60 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द वर्टिकल प्लेन। फिजिक्स के क्वेश्चन में कई बार बहुत फनी सी सिचुएशन जनरेट हो जाती है। जैसे इसमें ऐसा बोला गया है कि एक आदमी है जिसका वजन 60 किलोग्राम है, मतलब अच्छा खासा भरा पूरा आदमी है, और वो वर्टिकल प्लेन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब इसको जब आप विजुअलाइज करोगे तो आप देखो क्यों कर रहा है पता नहीं। खैर, फिजिक्स का क्वेश्चन है, अपन कंसीडर कर लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन वेरीज एज वाई इज इक्वल टू 0.5, तो वाई इज इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई एफ इंटू टी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द मैन, ठीक है, द मैन विल फील वेटलेसनेस एट द हाइएस्ट पॉइंट इज। अब देखो, ये आपका मैन है, ठीक है, पूरा ड्राइंग नहीं कर रहे अपन, इसी को ले लेते हैं। जब ये हाइएस्ट पॉइंट के ऊपर जाएगा, मान लो ये यहां पर पहुंच चुका है अपने हाइएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो इस कंडीशन में इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा वो मैक्सिमम होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? ए यानी कि 0.5 ओमेगा स्क्वायर यानी कि 2 बाय एफ होल स्क्वायर, इतना होगा उसका एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। पार्टिकल सिंपल, ये मैन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और इसके हाइएस्ट पॉइंट पर जो इसका एक्सेलरेशन है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? ए ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए।
और अगर अपन रियल फोर्सेस को अगर कंपेयर करें तो रियल में इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तब भी इसके ऊपर mg तो लग ही रहा होगा पक्का, ठीक है। और ये जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है भाई, ये किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही खड़ा होगा ना जिसके साथ साथ ये मूव कर रहा है, उसकी वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एम इंटू ए के इक्वल होना चाहिए। और अगर आप इन दोनों फोर्सेस के अकॉर्डिंग देखोगे तो हो जाना चाहिए एम जी माइनस एन के इक्वल। और वेट लेसनेस की कंडीशन तब जनरेट होती है जब एन कितना हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही एन को जीरो रखोगे तो एम ए किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी के इक्वल आ जाएगा। एम से एम चला गया तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जी के इक्वल आ जाएगी, यानी कि 0.5 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर किसके इक्वल आ जाना चाहिए, जी के इक्वल आ जाना चाहिए। तो 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, 2 से 4 कट गया तो इससे एफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये 2 चला गया नीचे, पाई स्क्वायर चला गया, और एफ की वैल्यू आ जाएगी दोनों तरफ रूट लेंगे तो अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 टाइम्स पाई। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 टाइम्स पाई डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, बट इसको थोड़ा सा मैनेज करोगे, इस रूट 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये भी कितना बच जाएगा, ऊपर तो बच जाएगा रूट जी, नीचे बच जाएगा रूट 2 टाइम्स पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप यूं भी समझ सकते हो कि जब पार्टिकल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, जब मैन अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, तो नॉर्मली जब कोई स्प्रिंग वगैरह अटैच नहीं होती, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा होता, तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ए की फोर्स रिक्वायरमेंट होता है, वो है एमजी। अब वही फोर्स अगर सपोज करो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मिल रहा है तो उसको एमजी की जरूरत ही नहीं है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वेटलेसनेस हो जाएगा, वेटलेसनेस की कंडीशन जनरेट हो जाएगी उसके लिए, यानी कि एमजी की वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल रखी जा सकती है, एम ए के इक्वल रखी जा सकती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है, और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट अगर आते हैं तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्ट करना आना चाहिए, जैसा हमने यहां पर करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ व्हीकल विच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन एल्फा इज गिवन बाय, ठीक है। तो आपका इस तरीके का एक इंक्लाइनेशन दे रखा है आपको, और इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, एल्फा है। यहां पर एक आपका व्हीकल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसकी रूफ से आपने किसको बांध रखा है, एक सिंपल पेंडुलम को बांध रखा है। तो इसकी रूफ से आपने एक सिंपल पेंडुलम को बांध रखा है। अब देखो इसकी लेंथ जो है वो एल है, तो एक बार के लिए अपन बना तो देते हैं, ये एल लेंथ का एक सिंपल पेंडुलम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। फ्रॉम द रूफ ऑफ द व्हीकल विच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन एल्फा इज गिवन बाय। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को अपन, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना होगा। अगर आपने इफेक्टिव ग्रेविटी निकाल ली तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जी इस डायरेक्शन के अंदर, और क्योंकि ये विदाउट फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर एक और फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा, तो अगर अपन इसको थोड़ा सा अलग से बना लें, और ये एम मास का कोई ब्लॉक है और ये विदाउट फ्रिक्शन अगर स्लाइड कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन अपन कैसे निकाला करते थे, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता था, एन अपवर्ड डायरेक्शन में लगता था, एम जी के दो कंपोनेंट हुआ करते थे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ।
अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ करता था, ये आया करता था एम जी कॉस एल्फा और ये आया करता था एम जी साइन एल्फा। तो जो एक्सेलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो यही वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी जी साइन एल्फा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। तो इसका खुद का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जी साइन एल्फा होगा। अब आप अगर इसको इस व्हीकल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हो तो एक तरीके से ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई, और एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें क्या लगाना पड़ता है, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है या स्यूडो एक्सेलरेशन लगाना पड़ता है अगर इस केस में कहें तो। तो अब इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन हो जाएंगे, एक तो जी, ठीक है, और एक प्लैंक के अलोंग कितना हो जाएगा, जी साइन एल्फा। और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, वेक्टर सम निकालना है, और वो वेक्टर सम ही किसके इक्वल होगा, आपके जी इफेक्टिव के इक्वल होगा। तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखा जाएगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, एल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो हम रिजल्टेंट किस तरीके से निकालते हैं, हमें दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए, तो 90 प्लस एल्फा हमें एंगल पता पड़ गया, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पहले वाले एक्सेलरेशन का स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर, दूसरे वाले एक्सेलरेशन का स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, प्लस टू टाइम्स पहला एक्सेलरेशन दूसरा एक्सेलरेशन, ठीक है, तो जी टाइम्स जी साइन एल्फा करेंगे तो जी स्क्वायर साइन एल्फा हो जाएगा, टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहां पर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना है, 90 प्लस एल्फा, तो कॉस 90 प्लस एल्फा, कॉस 90 प्लस एल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस साइन एल्फा की इक्वल होती है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, और यहां पर बन जाएगा माइनस 2g स्क्वायर, ये भी साइन अल्फा ये भी साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, नेगेटिव साइन इसकी वजह से आ जाएगा। इस माइनस 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा में से इसको माइनस करोगे तो आपका फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। जी स्क्वायर को बाहर ले लो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, कॉस एल्फा के इक्वल होता है, तो फाइनली आपका जी इफेक्टिव जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जी कॉस एल्फा के इक्वल होगा। और जैसे आपको पता पड़ गया कि यार जी इफेक्टिव जी कॉस एल्फा के इक्वल होगा, तो आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, एंड जी इफेक्टिव इज नथिंग बट जी कॉस एल्फा, ठीक है। कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को आसानी से। एक शॉर्ट फॉर्म ये भी हो सकता था इसका कि इसी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के दो हिस्से ले लेते आप, एक इस डायरेक्शन के अंदर आता और एक इस डायरेक्शन के अंदर आता, ये वाला हिस्सा आप मान लेते मूव करवाने के काम में आ रहा है और ये वाला हिस्सा जो है वो इफेक्टिव ग्रेविटी की तरह वर्क कर रहा है और वो अपने आप ही जी कॉस एल्फा के इक्वल हो जाता, बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड, राइट। अगर आपको बिल्कुल ढंग से डिटेल के अंदर इस क्वेश्चन को करना है तो आपको इस तरीके से करना होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आखिरी के एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए जहां पर मैंने बहुत ही टिपिकली दो अलग अलग जगह पर कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नीट के अंदर इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे, इस चैप्टर में से डायरेक्ट, राइट। आखिरी के जो दो क्वेश्चन हैं और आगे के भी चैप्टर में जब जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंसिडर करेंगे तो वो क्वेश्चंस नॉर्मली मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो रेयरली पूछे जाएंगे नीट के अंदर, राइट। बट फिर भी आपको तो सारी की सारी सिचुएशंस के लिए तैयार रहना है और यही मकसद है हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज का कि हम मिनिमम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहते हैं, और मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए ज़रूरी है कि इस चैप्टर को जो है किसी भी अदर चैप्टर से लिंक करना आना चाहिए। यहीं पर मोस्ट वांटेड सीरीज हमारे काम में आती है क्योंकि हम एक चैप्टर को एज अ होल एक घंटे के अंदर निपटाने की कोशिश करते हैं, तो उससे एक बेटर इमेज बनती है थ्रू आउट जो भी पूरा का पूरा चैप्टर है उसकी। तो आई होप दिस सीरीज इज बेनिफिशियल फॉर यू, आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वीडियोस वेरी मच हेल्पफुल। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।